आज भिंडी के भुंजिए की रेसिपी लेकर आया जो बिल्कुल अलग तरीके का है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। गैस पे हम कढ़ाई को रख दिए, गर्म हो गया है, उसमें तेल डाल दिए हैं और मेथी का फ़ोरन और दो हरी मिर्च। उसके चटक जाने के बाद हम भिंडी को डाल देंगे। इसको धो के हम पीस पीस में काट के रख लिए थे छोटा छोटा, आप देख रहे हैं ना कितना छोटा, तो इस तरह से काट के रख लेना है सारे भिंडी को। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तब पता चलेगा कि हम क्या क्या इस भिंडी के भुंजिया में डाले हैं। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। तो हम इस तरह से भिंडी की भुंजिया को हम तेल में मिला लिए हैं और फैला लिए हैं। इसको हम बिना ढके हुए बनाएंगे, इसको ढकना नहीं है। ढक देने से बहुत देर में बनता है और लसलसापन बन जाता है भुंजिया में, इसलिए नहीं ढके। हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनेंगे लगातार चलाते हुए। अभी हम इसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। हम एक प्याज को बारीक काट के रख लिए थे, एक बड़ा साइज का, तो हम इसको ऐड कर दिए और इसको भी हम 2 मिनट तक इसमें भूनेंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा भिंडी भी लाल हो गया है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे पहले मसाला क्यों नहीं डाला, लेकिन आप मेरे तरह से एक बार बनाएं। हम इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे। अगर आप तीखा ना पसंद करते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, बच्चे लोग को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद होता है। और नमक स्वादानुसार, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए अभी से ही कितना खिला खिला भिंडी लगने लगा है देखने में, भुजिया लगने लगा है ना, और तुरंत रेडी भी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ये भिंडी का भुजिया रेडी हो जाएगा। तो इसको चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़, 1 चम्मच बेसन को ऐड कर रहे हैं। बेसन डालने से सारे नमी ख़त्म हो जाएंगे इसका और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इस भुजिया में बेसन डाला हुआ है। तो इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे, बस कच्चापन निकल जाना है बेसन का। अगर आपके पास बेसन ना हो तो इसमें 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। तो ये भुजिया बनके रेडी हो गया है, आपको हम दिखाते हैं कितना अच्छा बन गया है। देखिए है ना खिला खिला, इसको आप ठंडा गर्म जब भी खाएंगे ये ऐसे ही खिला खिला रहेगा, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आप इसको बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, खुद भी खाएं, चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ। बच्चे बड़े कभी भी इसको खाने से मना नहीं करेंगे। हम आपको एक प्लेट में निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया है, कितना टेस्टी भी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें मेरे तरह से बनाने का। हम आपको पास से दिखाते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें। सर्व के लिए ये भुजिया रेडी है।